माय डियर कैंडिडेट, 345th जॉब हंट ड्राइव, 345वां जॉब हंट ड्राइव के करीब हम लोग सैटरडे को कर रहे हैं। दिवाली के बाद का ये पहला वीक है जिसमें सैटरडे को जो जॉब हंट ड्राइव एक्टिविटी की जाती है, जिसका ऑब्जेक्टिव सभी कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए जॉब अपॉर्चुनिटी देखना है और उनको इंटरव्यूज करा करके राइट जगह पे पहुंचाने का उद्देश्य है। इस उद्देश्य में जब शुरुआत हुई थी पहले जॉब हंट ड्राइव से और आज हम 345th जॉब हंट ड्राइव में, इसमें बहुत बड़े एक्सपीरियंस, बहुत बड़ी जिम्मेदारी और बहुत नए नए अनुभव मिले हैं। जॉब हंट ड्राइव को हम लोगों ने एक तरीके से उन कंसल्टेंसीज की जो अप्रोच है कि एक एड्रेस और एक प्रोफाइल भेज करके एक द एंड कर देने में से थोड़ा अलग हट करके हम लोगों ने इसको आउट ऑफ द बॉक्स काम किया है। ये लॉर्ड शिवा की एक कहीं ना कहीं एक इंस्पिरेशन थी कि कानपुर के लोग जो अपने पेरेंट्स के साथ में हैं, जिनमें एक ओल्ड एज में जब पेरेंट्स को जरूरत पड़ती है, फैमिली को जरूरत पड़ती है अपने अपने बच्चों की, तो वो उनके साथ में रहें। इस अप्रोच के साथ में, इस मिशन के साथ में, क्योंकि पैसा वो बाहर कमा रहे हैं बट उससे ज्यादा खर्च भी कर दे रहे हैं और उसके लिए एक लगातार कंसिस्टेंसी के साथ में ये वर्क होता रहे। और हम लोग इस वर्क को एक बहुत छोटी टीम के साथ में अपने, जिसको कहते हैं कनपुरिया स्टाइल में, देसी तरीके से, नए मेथड के साथ में, जिसमें जेडी बेस्ड सेशन स्पेशल खासतौर से रहा, जिसमें हम लोगों ने कंपनी की रिक्वायरमेंट को बेस बना करके कैंडिडेट्स को एक्सपीरियंस कैंडिडेट के साथ में शेयरिंग और शॉर्टलिस्टिंग कराने में बड़ी मदद और पैकेजेस आए। सरप्राइजेस तब और ऐड हो गए जब स्टेट के बाहर के भी कुछ कैंडिडेट जिन्होंने वीडियोस देखे, और ये जॉब हंट ड्राइव जो यूट्यूब चैनल है जिसको रिकॉग्निशन मिली, जिसको बहुत लोगों ने देखा भी और ज्वाइनिंग्स भी मिली, इवन स्टेट के बाहर के लोगों ने भी देख करके कभी कभी आया और उनको उसी दिन भी ज्वाइनिंग मिली। जबकि मैं स्टेट के बाहर या सिटी के बाहर के जब भी कोई कैंडिडेट्स आते हैं तो लगता है उनका एक्सपेंडिचर ना हो, उनके कोई रेफरेंस हो तभी आए, और मैंने देखा कुछ जगह पे ये एक्सपेरिमेंट बहुत अच्छा साबित भी हुआ। एक, चूंकि कानपुर के जो कैंडिडेट्स हैं जो रोज इंटरव्यूज में अवेलेबल है, जिनकी शॉर्टलिस्टिंग इजिली हो सकती है, जिनके पास इंटरव्यूज कॉल आकर के इमीडिएट रिप्लाई देते हैं, क्योंकि केवल अब आप जॉब प्रोवाइड नहीं केवल कर सकते, जॉब प्रोवाइडर के साथ साथ में हम लोगों को ये भी एक देखना पड़ता है कि कैंडिडेट्स की प्रोफाइल, उनका पार्टिसिपेशन, उनका राइट टाइम इंटरव्यू पहुंचना, उनका उस टाइम पे वो परफॉर्मेंस देना जिससे हम बड़े पैकेजेस ले आए, इन सब में बहुत सारे फैक्टर्स काम करते हैं। और उन फैक्टर्स को लेकर के हम लोगों ने जो मेहनत करी है, मुझे दिखाई दिया उसने बहुत बड़ा काम किया। और आप लोगों की जो, जिन लोगों की जॉब लगी, जिनके घर परिवार चले, उनकी दुआओं ने बहुत बड़ा परिवर्तन किया, जिससे कि लोग रेफरेंसेस से बहुत लोगों की फैमिलीज में खुशी भी आई। 345th दिवाली के बाद का पहला ये जो सैटरडे है, इसमें हम लोग जो इंटरव्यूज कर रहे हैं कानपुर की सभी कैटेगरीज की रिक्वायरमेंट्स को लेकर के, छोटी बड़ी सभी, और इसमें कोई स्पेसिफिक नहीं कि हम केवल टेक्निकल कोई जॉब दे रहे हैं, अकाउंट्स है, ऑफिस जॉब है, मार्केटिंग है, फीमेल्स को इकोनॉमिकल इंडिपेंडेंट बनाने की पूरी कोशिश है, उन सब के साथ में जॉब हंट ड्राइव अपने लेवल पे काम कर रहा है। अभी जो एक प्रोग्राम हम लोगों ने किया वो दिवाली के पहले, मिशन दीपावली ज्वाइनिंग, इसने अपने आप में बहुत बड़ा काम किया। बहुत सारे कैंडिडेट्स को पहले 2 महीने के पहले ज्वाइनिंग दी, और उसी पैटर्न में हम लोगों ने दिवाली के बाद का एक मिशन 2024 ज्वाइनिंग्स लॉन्च किया है, जिसमें हम हर कैंडिडेट को, जो जो बंदे रह गए हैं, कहीं से कुछ छूट गया है, किसी की प्रोफाइल शॉर्टलिस्ट नहीं हुई है, उनको उनकी प्रोफाइल के अकॉर्डिंगली, जेडी के अकॉर्डिंगली इमीडिएट बड़े पैकेजेस के लिए डबल एफर्ट्स करने के लिए शॉर्टलिस्टिंग चल रही है। मैं उन कुछ कंपनीज को, और रोज मैंने देखा इंटरव्यू जो रहा, पहला वीक भी बहुत दमदार ज्वाइनिंग के टर्म में गया, बहुत लोगों ने पार्टिसिपेशन किया, क्योंकि जो देखिए एक बात आप मान के चलिए, केवल जॉब देने वालों से केवल जॉब नहीं लगेगी, जॉब लेने वालों को भी उसी तरीके से जैसी जेडी की रिक्वायरमेंट है, जो कंपनी चाह रही है उनकी अपनी प्रोफाइल को कोरिलेट करना, जस्टिफाई करना, अगर आपके पास में एक दो इंटरव्यू में रिजेक्शन हो रहे हैं उनको आइडेंटिफाई करके, व्हाट इज द रीजन क्यों हो रहे हैं उनको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, और उसके पीछे आपको एक्सेप्ट करके अपनी शॉर्टकमिंग्स को प्रोफेशनली, जो लग रहा है कि कमी, उनको ठीक करके नेक्स्ट इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करते हैं। थोड़ा गाइडेंस और जो चीजें दी जाती हैं उसका बहुत बड़ा
परिवर्तन आता है। माय डियर कैंडिडेट, मैं सीधे कंपनी में आता हूँ, 340-50 जॉब हंट ड्राइव की खुशी के साथ में, घर वालों को सपोर्ट के साथ में, जो जॉब हंट ड्राइव ने दिया है, आप सब लोगों को जो रेफरेंस में लोगों से शेयर करते हैं, वो ज्यादा से ज्यादा जॉब हंट ड्राइव को शेयर भी करिए, से लोगों के पास सही जानकारी भी पहुंचे। साथ ही साथ में इन दो महीनों के बीच में आपको उन प्रोग्राम्स जो फ्रेशर कैंडिडेट हैं, जो कोर्सेज सर्टिफिकेट डिग्री डिप्लोमा ले लेते हैं बड़े बड़े कोर्सेज, पर उनके पास में वो जॉब नहीं आता है, ऐसे प्रोग्राम्स ऐसे कोर्स जो जेडी बेस्ड सेशंस के हैं, जिनमें टाइम मंथ को नहीं आवर्स बेस्ड ज्वाइनिंग सीजन में हम लोग करा सकते हैं, ये आवर बेस्ड ये सेशन लेकर के इन कंपनियों में आप ज्वाइनिंग ले सकते हैं। उसके लिए बहुत जल्दी आपको बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स हैं जो आपको भी दिखाई देंगे, अभी यूट्यूब में आपको कई सारे हैं, जो 12 पास आउट कैंडिडेट है, ग्रेजुएट्स हैं, इंग्लिश मीडियम के कैंडिडेट्स हैं, उनको बड़े बड़े कोर्स प्रोग्राम से जिनको फायदा नहीं हो रहा है, वो कंपनी की रिक्वायरमेंट के हिसाब से इतने आवर्स का, इतने क्रेडिट नंबर्स लेकर के इमीडिएट ज्वाइनिंग्स ले सकते हैं। मुझे लगता है कि ऐसे प्रोग्राम्स की जरूरत है और उसको हम लोग बहुत जल्दी बड़े सामान्य तरीके से, बहुत बड़े काम नहीं, बड़ी बिल्डिंग्स नहीं, बड़ी कोचिंगें नहीं, कंपनी में जो काम कर रहे हैं उनके साथ में कुछ आवर्स ऐसे डिसाइडेड करके जिसमें इमीडिएट ज्वाइनिंग की जिम्मेदारी लेने के लिए आपको, अब हम लोग होमवर्क कर चुके हैं और उनके साथ में आपको थोड़े दिन में आपको लॉन्च होते हुए दिखाई देंगे। माय डियर कैंडिडेट, मैं आता हूं सीधे कंपनी में। एस्ट्रल लिमिटेड कंपनी है, ऑफिसर सीनियर ऑफिसर मैकेनिकल के लिए जो बैकग्राउंड के लोग हैं, 2-6 ईयर जिनका एक्सपीरियंस है, मेल पोजीशन इसमें है, दो पोजीशन है, मैकेनिकल मेंटेनेंस और मशीन एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है, एफएमसीजी या फार्मा कंपनी के तो प्रेफरेंस है। यहां एक बात जरूर ध्यान रखनी है, ये आपको घर के बगल में नहीं होगी, जहां पर इंडस्ट्रीज है वहीं पर जाना होगा। तो जिनसे भी इससे रिलेटेड जो भी प्रोफाइल्स है वो इमीडिएटली शेयर करें, इमीडिएटली ज्वाइनिंग के लिए आप एक अच्छे ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। लंच कार्ड आजकल अपने आप में चूंकि रिकॉग्निशन ब्रांडिंग कर रहा है बहुत अच्छी तरीके से, एक्सपेंशन कर रहा है, तो उसमें लखनऊ आगरा बरेली के लिए एरिया ऑपरेशन मैनेजर 10-18 लाख का पैकेज है, बट थोड़ा सा इसका भी ध्यान रखिए, लेंस कार्ड में जो लोग अप्लाई कर रहे हैं अगर वो ऑप्टोमेट्रिस्ट उसका उनके पास कुछ है तो और आप समझिए आपकी वेटेज मिल जाएगा। अगर आपने कहीं से मिलते जुलते में कहीं ऑपरेशनल मैनेजर की प्रोफाइल को संभाला है तो आप निश्चित रूप से मान के चलिए आप पैकेज 15 लाख के ऊपर के होंगे, अभी एक दोनों का शेयर किया गया है तो ये पता चला। ज्ञान डेयरी में जो जाना चाहते हैं सीनियर एग्जीक्यूटिव, कॉस्टिंग 4-6 लाख का प्रोफाइल है। इंजेक्टोप्लास्ट में जो रिक्वायरमेंट बहुत अर्जेंट चल रही है, परचेज मैनेजर जिनको पैकेजिंग मटेरियल 40 के पैकेजेस का ऊपर जाना चाहते हो उनके लिए बहुत अच्छा, पैकेजिंग मटेरियल का जिनको आइडिया हो, पैकेजिंग मटेरियल को अंडरलाइन करिएगा। कंप्यूटर ऑपरेटर फॉर प्रोडक्शन प्लानिंग डिपार्टमेंट के लिए अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। रोटोमैक इंडस्ट्री में जिनको पंप इंडस्ट्री से अगर है आप तो आप ये निश्चित मान के चलिए उसी दिन फाइनलाइजेशन और हम आपके पैकेज, आपका मान लीजिए कहीं पैकेज 35 में हो रहा है, 50 में हो रहा है, तो एक प्रेफरेंसेस पंप इंडस्ट्री के हैं तो उसको 60 तक लाया जा सकता है, बड़ी ग्रोथ दी जा सकती है। अगर आप थोड़ा सा भी आपके पास एक्सपीरियंस है मैकेनिकल इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज के हैं, बीटेक मैकेनिकल है तो आप मान के चलिए कानपुर में और एनसीआर रीजन में कम से कम ये डिफरेंस वही जो आप एनसीआर रीजन में कमा रहे हैं वही पैकेज यहाँ पे आपके पास आ जाएगा। कानपुर को हल्के में लेना, जो लोग लेते थे वो बंद कर दें, कानपुर अपने आप में बहुत लोगों को सपोर्ट करके जॉब अपॉर्चुनिटीज और अच्छे पैकेजेस दे रहा है। कानपुर कपिला ग्रुप में फैक्ट्री मैनेजर, इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस मैनेजर, पीएलसी नॉलेज, परचेज एग्जीक्यूटिव, 4 प्रोफाइल है, इनके लिए जो भी कैंडिडेट चाहते हैं वो इमीडिएट ज्वाइन कर सकते हैं। लोहिया कॉर्प में मशीन शॉप 6-10 लाख का पैकेज है, मशीन शॉप के बारे में डिटेल बताने की जरूरत नहीं है, जो इसका बैकग्राउंड के है वो इमीडिएट शेयर कर सकते हैं। मोनिटी में रीजनल सेल्स हेड 90 का पैकेज है, सीनियर अकाउंटेंट का 30 का पैकेज है, जो ऊपर भी जा सकता है अगर आप उससे बैकग्राउंड से। गोडी मसाले में पैकेजिंग मैनेजर प्रोफाइल पे रिक्वायरमेंट है, पैकेजिंग का जिनका रिलेशन है, पैकेजिंग में 2-3 आई है रिक्वायरमेंट, 8 लाख तक के ऊपर जा सकता है पैकेज। जगमनी माइक्रो नेटवेयर में परचेज मैनेजर 5-9 लाख का पैकेज है। बीबीए या बीकॉम और आईसीएससी सीबीएसई बोर्ड के आप अगर कैंडिडेट हैं, कम्युनिकेशन स्किल, रिटन और ड्राफ्टिंग और बोलने वाली स्किल अच्छी है इंग्लिश बैकग्राउंड की, तो आपका पैकेज एक अच्छा शुरुआत हो सकती है। कानपुर प्लास्टिक में पीएलसी प्रोग्रामर, एचएमआई प्रोग्रामर में 2-3 कैंडिडेट्स का प्रोफाइल शॉर्टलिस्ट हो गया है, जो कैंडिडेट अभी बचे हैं ये लगातार रिक्वायरमेंट बनी हुई है क्योंकि ये स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है। अब हैवल्स में कानपुर की रिक्वायरमेंट में बहुत सारे कैंडिडेट काम कर रहे हैं, यहां से
अब अगर कोई दिल्ली में मूड में है, पूरा अपने आप को चेंज करना चाहता है, तो चूंकि इनका ही एक्सपेंशन हो रहा है, कानपुर बेस्ड कंपनी है, वहां पे ये पहले वेयरहाउस मैनेजर चाहते हैं, एचआर कम एडमिन मैनेजर विद टेली नॉलेज चाहते थे कि एचआर कम में रिक्रूटमेंट केवल यहाँ पे नहीं है, वहां पे एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब चूंकि वेयरहाउस को मैनेज करने के लिए जो रिक्वायरमेंट है वो भी है। इमीडिएटली आपको मंडे को फाइनल हम करा सकते हैं, जो भी कैंडिडेट रेडी है वो आजकल में शॉर्टलिस्ट करके, उन वेयरहाउस इंचार्ज की भी जरूरत है जिन्होंने वेयरहाउस इंचार्ज में काम किया हो, एमआई एग्जीक्यूटिव एक्सेल अच्छा आता हो, एमएचई ऑपरेटर हो, पिकर्स आपने कभी वेयर हाउस में सुने होंगे, रिकॉर्ड कीपर सुने होंगे, इलेक्ट्रीशियन सुने होंगे, हाउसकीपिंग सुने होंगे, ये सब दिल्ली की रिक्वायरमेंट्स के लिए कहा गया था। इसमें अभी कुछ कैंडिडेट हम लोगों ने शॉर्टलिस्ट किए हैं, बट देखिए जो जो सीनियर प्रोफाइल्स हैं उन सीनियर प्रोफाइल्स में निश्चित रूप से बेनिफिट होने वाला है। उत्तम स्प्रिट्स में राजस्थान भिवाड़ी में ऑपरेशन हेड कोल्ड रोलिंग मिल 30 लाख to 40 लाख का पैकेज है। सेलका केम इंडस्ट्रीज में दिल्ली एनसीआर के लिए जनरल मैनेजर प्लांट मैन्युफैक्चरिंग 25 लाख से 30 लाख का पैकेज है। कपिला ग्रुप में सोशल मीडिया मैनेजर में जिन्होंने डिजिटल मीडिया मैनेजर को मैनेज करना जानते हो 2.5 लाख से 4 लाख का पैकेज है। एनजे ग्रुप में एमबीए फ्रेशर यूनिट मैनेजर म्यूचुअल फंड बीटूबी सेल्स में 3 लाख to 4 लाख का पैकेज है। एचडीएफसी सेल्स में आज बात हुई है, कानपुर झांसी प्रयागराज के लिए सेल्स ऑफिसर्स 2.5 लाख से 4 लाख है। कपिला ग्रुप में पीएलसी ऑपरेटर 2.5 लाख से 3.5 लाख है। सेल्जर होम केयर में कानपुर लखनऊ में एरिया सेल्स मैनेजर 4 लाख to 6 लाख है। लुपिन रागलिन में इमीडिएटली लखनऊ गुरुग्राम कानपुर के लिए मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव 3 लाख to 5 लाख है। न्यू एरा डेयरी में डिस्पैच इंचार्ज 3.5 लाख से 4 लाख कानपुर देहात में अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। जारो इंटरनेशनल में एचआर एक्सिक्यूटिव की अर्जेंट रिक्वायरमेंट कानपुर में है। मोर्स टेक्नो प्राइवेट लिमिटेड में ब्रांच हेड 4 लाख to 8 लाख का रिक्वायरमेंट है। आर्डम डेटा सर्विसेज में लखनऊ में मेडिकल डेटा एनालिसिस 4 लाख to 6 लाख का रिक्वायरमेंट है। कानपुर क्रिएशन में परचेज ऑफिसर का रिक्वायरमेंट है। होंडा में फीमेल रिसेप्शनिस्ट सीआरई सीआरएम विद गुड कंप्यूटर नॉलेज का रिक्वायरमेंट है। कटारिया ग्रुप में सुपरवाइजर का रिक्वायरमेंट है। हैवेल्स में कंप्यूटर ऑपरेटर है। महाराजा बेकर्स में रिक्वायरमेंट अर्जेंट है जो स्टोर इंचार्ज स्टोर कीपर की है। मेंटोरा में सुपरवाइजर ऑपरेटर ग्रेड पर जो सोप प्लांट में काम किए हों इमीडिएट ज्वाइनिंग्स वाली हैं, ये फ्रेशर 1-2 साल के कर सकते हैं। कुमार क्रिएशन में मेल फीमेल फ्रेशर एक्सपीरियंस एचआर एग्जीक्यूटिव की रिक्वायरमेंट है। सुभाष मसाले में मार्केटिंग कम लाइजनिंग मैनेजर लैब केमिस्ट फीमेल रिसेप्शनिस्ट गुड कंप्यूटर एंड टेली नॉलेज का रिक्वायरमेंट है। हीरो मोटो कॉर्प में राजस्थान में इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस इंजीनियर 35 इलेक्ट्रीशियन का रिक्वायरमेंट है। एमपी बिरला में सैप ऑपरेटर टेली ऑपरेटर का रिक्वायरमेंट है। अशोक मसाले में टेली ईआरपी स्टोर कीपर का रिक्वायरमेंट है। सुपर हाउस में मेल फीमेल डायनेमिक पर्सन जिनका एक्सीलेंट कम्युनिकेशन स्किल हो जो ऑपरेशनल हेड में काम कर सकते हो, एक कैंडिडेट का इसमें करीब ज्वाइनिंग आया है। वंसल पंप में फीमेल बैक ऑफिस एग्जीक्यूटिव हैविंग अ नॉलेज ऑफ एमएस ऑफिस का रिक्वायरमेंट है। वंसल पंप में स्टोर एग्जीक्यूटिव दादा नगर नरनिया लोकेशन के लिए परचेज एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल क्वालिटी इंजीनियर इलेक्ट्रिकल बाइंडिंग सुपरवाइजर का रिक्वायरमेंट है। मिनीमैक्स इंजीनियरिंग में प्रोडक्शन सुपरवाइजर स्टोर सुपरवाइजर का रिक्वायरमेंट है। राजस्थान लिकर में वेलफेयर ऑफिसर। हिस्ट्री हंस एनर्जी में परचेज मैनेजर प्रोडक्शन प्लानिंग कंट्रोल मैनेजर ई टेंडर मैनेजर का अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। रुचि ऑर्गेनिक्स में इलेक्ट्रिकल कम मैकेनिकल मेंटेनेंस इंजीनियर। गणपति टेक्सो में बैक ऑफिस एग्जीक्यूटिव। नैरोलेक पेंट में एचवीएसी इंजीनियर। इंडकोड में बैक ऑफिस एग्जीक्यूटिव विद गुड नॉलेज ऑफ एमएसओएमएस प्रीसीटेक्स इक्विपमेंट में मैकेनिकल क्वालिटी इंजीनियर। मुरली टीम में सुपरवाइजर ऑफिस ऑफिस बैक ऑफिस में चाहिए सेल्स एग्जीक्यूटिव की रिक्वायरमेंट है। राधा रमन में मैकेनिकल क्वालिटी। हिंदुस्तान डॉकयार्ड में एचआर मैनेजर। नारायण प्लास्टिक में रिटेल सेल्स एग्जीक्यूटिव। नमन गेस्ट हाउस में सुपरवाइजर स्टोर सुपरवाइजर फ्रंट ऑफिस एग्जीक्यूटिव। इनकट्स में स्टोर सुपरवाइजर जिसने गारमेंट इंडस्ट्री में काम किया हो, ये मेजर रिक्वायरमेंट है। लास्ट की कुछ जो रिक्वायरमेंट्स मैंने शेयर करी हैं, ये सारी रिक्वायरमेंट में 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल के भी कैंडिडेट्स हैं जिनमें इमीडिएटली ज्वाइनिंग्स आ सकती हैं। माय डियर कैंडिडेट्स, ये सब ज्वाइनिंग्स आपका वेट कर रही हैं। दीपावली के बाद भी इतनी ज्वाइनिंग्स की लिस्ट अभी आई है जिसमें सारी कंपनीज में अभी अप्रोच हम लोग नहीं भी कर पाए टाइम की कमी की वजह से, क्योंकि सारी कंपनियों में बात करते करते कभी कभी टाइम चला जाता है। इवन जब आज इनको इन्विटेशन दिया जाता है सैटरडे की सुबह भी, वो सब कंपनीज अपनी प्रोफाइल अपनी रिक्वायरमेंट भेजती हैं। माय डियर कैंडिडेट, हम सबको क्या बेसिकली करना है, हम सबको पार्टिसिपेशन बढ़ाना है।
जितना ज्यादा पार्टिसिपेंट इंटरव्यूज बढ़ाएंगे उतनी ज्यादा ज्वाइनिंग्स आपके पास आएंगी, उतनी ज्यादा आपके पास पैकेजेस आएंगे। इन्वॉल्वमेंट को बढ़ाना है, घर बैठ करके फोन कॉल का इंतजार नहीं करना है, जेडी वेस्ट सेशंस का करना है, डिस्कशन करने हैं। जो लोग ये कर रहे हैं उनको इनके बेनिफिट दिखाई दे रहे हैं। कल सैटरडे के जॉब ऑन ड्राइव में प्रोफाइल के साथ में केवल यहीं पर इंटरव्यू में सब कुछ फाइनल हो जाए। साथ में कुछ लोगों को कंपनीज में सीधे जाना होगा, मिस कर रहे हैं अगर आप हैं, खुद जिम्मेदारी लीजिए। आपके पास जॉब इसलिए नहीं आ रही है क्योंकि आप बैठ करके सोच रहे हैं और डिस्कस कर रहे हैं, पार्टिसिपेशन और एक्टिव रूप से आप भागीदारी नहीं कर रहे हैं। थैंक यू फॉर टुडे जॉब ऑन ड्राइव, mysurejob.com। थैंक यू।